गुना शिवपुरी अशोकनगर सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा विधानसभा भर में सरपंच सचिव सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं इसी तारतम्य में आज कोलारस एवं शिवपुरी विधानसभा में सरपंच व सचिव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ITI कॉलेज कोलारस में सरपंच सचिव सम्मेलन संपन्न हुआ, जहां क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि समाज ने उत्तरदायित्व हमको सौंपा है कि हम लोगों का भला कर सके। शास्त्रों में कहा गया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सांसद यादव ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप हम सभी जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर आज यहाँ विराजमान हैं। इस अवसर पर सरपंच व सचिवों ने अपनी अपनी समस्याएं एवं क्षेत्र की मांग स्थानीय सांसद के समक्ष रखी, जिनके निराकरण हेतु सांसद यादव द्वारा आश्वासन दिया गया व अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस बैठक का ये उद्देश्य था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर की थी कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाएं और नीचे की जो इकाई है उनके साथ भी संवाद करें। तो मैंने पहले भी जिला पंचायत की मीटिंग भी ली है, कई नगर पालिकाओं की मीटिंग भी ली है, आज मुझे समय मिला था। मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे सभी सरपंच और सभी सचिव साथियों के साथ मैंने मीटिंग रखी थी, ताकि वहाँ कैसा काम चल रहा है, केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, उनसे कितना लोगों को लाभ मिल रहा है, और इन लोगों से सुझाव भी लिए कि किसी योजना में अगर कुछ बदलाव करना है या और भी कोई ऐसी चीज जो ये चाहते हों कि प्रदेश या केंद्र से इन्हें सरकार से वो मदद चाहिए, तो वो सुझाव मुझे मिले, तो उसके बारे में ये मीटिंग रखी थी और बहुत ही अच्छी मीटिंग रही। निश्चित ही जो जो समस्याएं उन्होंने रखी है मैं उचित प्लेटफॉर्म पे वो बात रखूंगा, क्योंकि मैं प्रदेश का प्रवक्ता भी हूं, एक सांसद हूं इस क्षेत्र का, और भी कई कमेटियों में प्रदेश में मुझे रखा है, और मैं दिशा कमेटी में भी केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश में मेरी नियुक्ति हुई है।